आपको हाथों पे जोर आएगा ना शरीर का, तभी तो दबाव बनेगा। ऐसे किसी की जान बेटे बचानी है, ऐसे करके दिखाओ अपने बॉडी वेट का। 100 से 120 की स्पीड से यहाँ रख लिया हाथ बीचों बीच, और ऐसे ये ही हमारे उठे होंगे बेटे, ऐसे नहीं, ऐसे अगर बैठे होंगे प्रेशर नहीं बढ़ पाएगा, ऐसे बैठोगे शरीर का ही प्रेशर। और कितना दबाव 2 से 2.5 इंच बहुत होता है, और 100 से 120 की स्पीड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। मैं थक गया, एक और बैठा लूं सामने, उससे और करवाऊं। ये जो आपका घर का सदस्य था ना, 5-6 मिनट के बाद ये ऐसे करेगा, और इसके CPR देती दफा इसके चेहरे की तरफ देखना है, इसके चेहरे की फिगर चेंज हो जाएगी, चेहरे में मूवमेंट हो जाएगी, आपको अपने आप पता चल जाएगा जी गया। ठीक है बेटा, ये करना है, ये CPR आपने बेड पर नहीं देना। रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसके बाद कॉल फॉर हेल्प के लिए चिल्लाए और एम्बुलेंस को फोन करें। एम्बुलेंस के लिए बेटा 108 और 112 नंबर, ठीक है, उस पर फोन करें। आपको बताऊंगा कैसे चेक करेंगे, एयरवे चेक करने के बाद फौरन बेटे आप उसकी ब्रीदिंग चेक करें। ब्रीदिंग मैंने सवास किया, एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 16 से 20 बार जाता है, या कोई डूबने से या कोई करंट लगने से बेहोश हो जाता है। 10 मिनट के लिए चुपचाप खड़े रहो, ध्यान इस पर रखो। ओके, उसमें हम मरीज की जान बचा सकते हैं, 5 साइड होने शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए हरियाणा। ओके, रिस्पॉन्स चेक करें, ABP अलर्ट वॉयस पेन अनरिस्पॉन्स, भाई ये रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा, क्या बात है, होश में है कि नहीं, अलर्ट हमारे बोलने से बोल रहा है नहीं, जब नहीं बोलता तो उसके यहाँ दबाओ यार कोई नुकीली चीज दबाओ, वो कह रहा कि अनरिस्पॉन्स कोई रिस्पॉन्स नहीं, यही करते हैं ना, और वो आगे पीछे पैर करेगा, इट मीन्स वो जिंदा है, सीधी बात है। तो इसके बाद अन रिस्पॉन्स दिया, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कॉल फॉर हेल्प, शिफ्ट फॉर हेल्प उसके लिए आ जाएगी, जैसे और कोई खड़ा है वो आ जाएगा, आप फौरन मैडम खड़ी हैं, सर खड़े हैं कोई, तो मैं उनको कहूँगा आप एक बार फोन कर दीजिए एम्बुलेंस, 108 एम्बुलेंस, 112 पुलिस, कहूँगा जी आप मेरे को फोन करके बताना, ऐसा ना हो भीड़ में मैंने किसी की ड्यूटी लगा दी और कान के फोन लगाए घर पे लगा है, मैं सोचूंगा मेरे साड़ी लग रही है, 4 घंटे पड़ा रहा किसी ने नहीं उठाया, तो आपके दिल पर क्या बीतेगी, आप अपनी छाती पास रखकर देखो आपने कितनों को उठाया, तो आपके को कोई उठाएगा, सच्चाई है कि नहीं, हम किसी को उठाएंगे तो हमारे को भी कोई उठाएगा, हादसा ऐसे नहीं होता, हमारी गलती से नहीं होता, कभी ये सोचते हो, कई बार गलती से भी होता है, कई बार दूसरी साइड रोड से कोई व्यक्ति आ रहा है उसका हैंडल डोल गया और वो उछड़ के हमारे ऊपर आने गया, हम चल रहे हैं अपनी साइड को टक्कर मार गया, हादसे का नहीं पता किसकी गलती से हो जाए, पर गलतियां तो होती ही हैं, तभी तो हादसे होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, तो इसलिए बेटा मदद जरूर करो, मैं एक बात कहता हूँ कमी जरूर निकलेगी, मैं आपको ये CPR 4 साल सिखा दूँ, जब आपने किसी को देना ही नहीं फायदा, जब मन के भाव ठीक होंगे जब फायदा होगा, आप जब तक परीक्षा नहीं देंगे MA की BA की, रिजल्ट कैसे आएगा, फेल पास का कैसे पता चलेगा, डिवीजन कैसे, 100 से 120 की स्पीड, समझ गए, कितना दबाना है ये मैंने आपको बता दिया, 2.5 इंच थोड़ा नहीं होता भाई, इतना होता छाती ऐसे नहीं दबेगी 2.5 इंच, और जब ही हार्ट हमारा पंप करेगा खून और उसकी जान आ जाएगी और पसीना आ जाएगा, आसानी से नहीं होगा बेटे। देखो मेरे को एक खुशी एक बात की और भी, आपको देखकर सबसे बड़ी बड़ी खुशी मुझे ये हुई, मैं चारों तरफ देखा कि बच्चे धूप में खड़े होकर भी सुन रहे हैं, इट मीन्स इंटरेस्ट, इसके बीच जो भी यहाँ हाथ रखो और कौन